घाटी के आटे का सत्तू, पहले प्याज, फिर भुना हुआ मैनगोल, भुना हुआ जीरा, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, चॉपर क्या हुआ लहसुन और मिर्च। ऐसा सत्तू आप मार्केट से भी लाके बना सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और इसमें सरसों का तेल। अब सभी को मिक्स कर लेंगे। आप इसमें नींबू या हरा मिर्चा डाल सकते हैं, मेरे यहाँ कोई नहीं खाता, सबको नुकसान करता है। ये सत्तू तैयार हो गया घाटी का, अब आटा तैयार करेंगे। मेरे परिवार में 8 लोग हैं, मैं 8 लोग के हिसाब से बना रही हूँ। आप लोग के परिवार में जितने लोग हैं उस हिसाब से आटा ले लीजिएगा। इसमें सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक, हल्का नमक आटे में, और इसमें मोयन के लिए रिफाइन। अब इसको मिक्स कर लो, ऐसे मुट्ठी बना जाए मोयन से तो आटा सही है। हल्के गुनगुने पानी से इसको गूंथ लें। आटा थोड़ा नरम होना चाहिए। आटा तैयार हो गया, अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो गए, आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसका लोई बनाएंगे। इसमें आटा सूखा नहीं लगाएंगे, आराम से बन जाएगा। आपको कम खाना है तो कम भरेंगे, जिसको ज़्यादा खाना होगा इसमें ज़्यादा भरेंगे। मेरी घाटी ये तैयार है, अब इसको हम तलेंगे। ये मेरा तेल गरम हो गया है, इसको मीडियम आंच पे, धीमी आंच पे इसको डालेंगे। तो थोड़ा पलट दो, इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, और इसको तेज आंच पे ना पकाएं क्योंकि अंदर कच्चा रह जाएगा। ये हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। ऐसे अब दूसरा छान लेंगे, दूसरी खाने। अब ये देखिए मेरा तैयार है, ये देखिए कितना क्रिस्पी, अंदर एकदम कच्चा नहीं। अब इसको टेस्ट करिए। ये टमाटर की चटनी और ये भर मिर्चा की मीठी चटनी।